हेलो जी, आज हम निकले हैं बर्लिन को एक्सप्लोर करने और मेरे साथ हैं शाह जी। शाह जी का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तो शाह जी अभी एक महीना पहले जर्मनी में आए हैं, करीबी दोस्त हैं और TU अलुमनाओ के स्टूडेंट हैं। हमारी स्टोरी ये है कि 2021 में हमने IELTS इकट्ठे बैठ कर तैयारी की थी अली टाउन लाहौर में, और हम सोचा करते थे कि हम किसी दिन जर्मनी जाएंगे और बर्लिन इकट्ठे घूमेंगे, और आज वो दिन है। सबसे पहले आए हैं हम बुंडेस्टाग, जिसे जर्मन पार्लियामेंट भी कहते हैं, और अनलाइक हमारी पार्लियामेंट ये एक अवामी पार्लियामेंट है जहाँ पे लोग ये ग्राउंड में भी आ सकते हैं, करीब भी आ सकते हैं और इवन अंदर भी जा सकते हैं। वो जो ऊपर आपको डोम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, तो फिर किसी दिन। इसके बाद आ गए हम ब्रैंडनबर्ग गेट पे। जब भी आपने जर्मनी का नाम सुना होगा, ये सामने आता होगा, ये तस्वीर मशहूर है। ये जर्मनी की यूनिटी को जाहिर करता है, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, वो चाहे एहतजाज हो या म्यूज़िक का महफिल हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मैंने सुना है यहाँ पे हिटलर खड़े होके तकरीरें किया करता। दरअसल हिटलर का नाम यहाँ लेना अच्छा नहीं समझा जाता। जर्मन जो हैं अपने तारीख के उस हिस्से से शर्मिंदा से हैं, मतलब आपको पता ही है हिटलर ने क्या किया था ज्यूज़ को, ख़ास तौर पे उसने थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज़ को जला दिया था, और ये होलोकॉस्ट उसी की याद में, ये सारे कब्रें सी बनी हुई हैं, मेमोरियल हैं, वैसे ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन ये सारी उन्हीं के याद में ये पूरा कब्रिस्तान बनाया हुआ है बर्लिन में, जहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, लाइक थाउजेंड होंगी शायद। वन ऑफ द रीज़न के बर्लिन में मुझे रहना पसंद है वो है यहाँ की डाइवर्सिटी। यहाँ 190 प्लस नेशनैलिटीज़ रहती हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे की कस्टम्स क्या हैं, रिवायात क्या हैं, उनका ड्रेसिंग का स्टाइल क्या है, कुछ नहीं करता, लोग जज नहीं करते। अगर मैं उल्टी पैंट भी पहन के आ जाऊँ ना तो ये समझेंगे शायद इसके मुल्क में पहना ऐसे जाता है, कोई नोटिस नहीं करता, कोई वीडियो बना रहा हो, कोई जिस मर्ज़ी ड्रेस में हो, ये अच्छी बात है मेरे लिए तो, कम अज़ कम अच्छी है। मेरे पीछे ब्रैंडनबर्ग गेट है और हम ब्रैंडनबर्ग गेट से आगे जा रहे हैं TV टावर की तरफ, और ये जो पूरी ट्रेल है यहाँ से सीधा आगे, ये सारी जो है ना वो पैदल चलने की जगह है। अगर आप कभी आएँ तो यहाँ से पैदल जाना है आपने, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं और ये जो हैं ये टूर ऑपरेटर्स की, मतलब अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बस कहाँ से मिलती है, वैसे ये तो पता होता है, लेकिन वो ये कि आपके पास टाइम कम हो तो आप इस बस को ले सकते हैं। इस तरह की और बसें भी हैं और कंपनीज़ भी हैं, वो आपको मुख्त से टाइम में पूरे बर्लिन का टूर करा देती हैं, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। शाह जी के प्रोटोकॉल के लिए हमने जहाज़ मंगवाया है, इसकी सिक्योरिटी के लिए। बर्लिन या यूरोप कभी भी आपने विज़िट करना हो तो सर्दियों में नहीं करना, समर में या फिर बहार के मौसम में, जैसा अब है। हर चीज़ खूबसूरत सी नज़र आती है, चहल पहल होती है, लोग बाहर रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं, साइकिलें लेके निकल रहे होते हैं, तो एक अच्छा सा अच्छी फील आती है, गुड सीन होता है। अभी तक हम उधर ही जा रहे हैं, उसी पट्टी पर, और यहाँ पर ये हुमबोल्ट यूनिवर्सिटी और यहाँ पर पता नहीं क्या है, मतलब ये सारा एक तरह से म्यूज़ियम आइलैंड समझा जाता है, कहा जाता है। इधर सारे म्यूज़ियम्स हैं, बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं। इतना टाइम तो है नहीं है, वैसे ही रात हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समर में जो है वो रात देर से होती है, 9:30 हो गए हैं अभी तक, सूरज खड़ा है, गुड सीन। रात हो गई है और हम जा रहे हैं ज़रा एक पार्टी प्लेस पे, लेकिन उससे पहले ये कैथेड्रल, बर्लिनर डोम इसको कहते हैं, और इसके सामने काफ़ी रश लगा होता है, यहाँ लोग बैठे होते हैं ग्राउंड में। जल
ट्राम और जो कारें हैं वो एक ही रूट पे चल रही हैं। हमारे मुल्क में फाटक लगाते हैं पता नहीं क्यों। अगर लोगों को आप एजुकेट कर दो तो फाटक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेनें भी उसी पे चलेंगी, ट्राम्स भी उसी पे चलेंगी, कारें भी उसी पे चलेंगी और बसें भी उसी पे चलेंगी। ये टीवी टावर है, टीवी टावर के साए में बैठे हैं हम और इधर मैं आपको इर्द गिर्द की जगह दिखाता हूँ। ये इस तरह झूले लगे होते हैं, यहाँ पे कोई सिंगर म्यूजिक बजा रहा होता है, लोग जो है खा पी रहे होते हैं, वैसे शुगल करते रहते हैं। वो कितना ऊपर जा रही है। हमारे यहाँ जो है रात को कोयटा पे चाय के लिए बैठते हैं, ये यहाँ बेयर पे बैठते हैं। इस जगह ऊपर फुहारे चल रहे होते हैं, नीचे बेयर चल रही होती है। ये सारा एरिया पार्टी पार्टी एरिया है। शाह जी बेयर भी नहीं, मतलब चाय भी नहीं है? चाय पीते हैं यार, खाते पीते हैं, भूख लगी है। सारा दिन चल चल के बुरा हाल हो गया भाई, अब खाने का टाइम। बर्लिन में जो है ना हलाल फूड आसानी से मिल जाता है, तो बस हम भी करीबी हलाल फूड पे आ गए हैं और अच्छा है। बस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग ठंडा है या अच्छा है जो भी है लाइक कर दें। गुड बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।